एमपीएम टाइम्स में आपका स्वागत है। इस समय हमारे साथ युवा गायक राज अमृतेश मौजूद हैं, जो श्री जीवा महेश के सुपुत्र हैं, हरफन मौला गायक है। आइए उन्हीं से हम बात करते हैं आज के युवा दौर के गायकी के बारे में। अमृतेश जी, ये बताइए कि आप अरमान मलिक और जुबिन के गीत गाते हैं, तो इनके ही गायकी के क्षेत्र को आपने क्यों चुना? सर, ऐसा है कि बचपन से मैंने तो जब भी गाना सुना है तो मोहम्मद रफ़ी साहब के ही गाने सुने हैं। लेकिन अभी जो एक मेलोडियस वॉइस कहा जाता है, जो सोलफुल सॉन्ग्स हैं, वो अरमान मलिक और जुबीन की आवाज़ में वो सोलफुलनेस है जो आज के यंगस्टर और जितने भी भाग दौड़ भरी ज़िंदगी है उससे हमको एक सुकून भरी आवाज़ है, तो इसलिए उनकी उनके गाने में ज़्यादा पसंद करता हूँ। अमृतेश जी, ये देखा गया है कि मुकेश जी, रफ़ी साहब और खुद खासकर आपके पिता श्री जीवा महेश भी मोहम्मद रफ़ी साहब के गाने गाते हैं, तो वो एक उनकी एक मेलोडी रहती थी पुराने गानों में, और आज के दौर के जो गानों में एक तीव्र संगीत है, जिसे दूसरे शब्दों में लोग कानखड़ू संगीत भी कहते हैं, लेकिन आज के युवा के उसे दौर उनको ये पसंद है संगीत के दौर, तो आप नहीं मानते कि जो पुराने गीत और आज के दौर के जो गीत में बहुत सा एक लंबा फासला है, तो उस लंबे फासले को आप अपने सुरों की तरह किस तरह काटेंगे? सर, ऐसा है कि ओल्ड सॉन्ग्स के बारे में, पुराने गीतों के बारे में तो बस यही कहना है कि ओल्ड सॉन्ग्स आर मेड फॉर एवर। तो जितने भी पुराने गीत हैं सर, उसको आप 1980 में भी सुनते थे तो वो नए लगते थे, और आज भी मैं अपने डैडी को गाते सुनता हूँ या फिर मोहम्मद रफ़ी साहब के रिकॉर्डिंग सुनता हूँ तो आज भी ऐसा लगता है कि कल का रिकॉर्डिंग है। तो आज के भी गीत कुछ कुछ काफ़ी अच्छे बन रहे हैं सर, और हम ये कोशिश करते हैं, और मेरा सबसे यही निवेदन है कि अभी के अच्छे गीत हैं उनको सुने, ये आपको कंसंट्रेशन में भी मदद करेगा और आपके कैरियर में भी आपको मदद कर सकता है। अमृतेश जी, आप जो गीत गाते हैं, रोमांटिक गीत गाते हैं, और आज के दौर के संगीत का वो संगीतबद्ध किया हुआ गीत है, तो इसमें आप ऐसा कैसे सामंजस्य बिठाएंगे कि कल को आपको पुराने गीत गाने पड़े तो आपका जो सुर है वो कहीं डगमगा तो नहीं जाएगा? सर, ऐसा है कि हर गीत जो सुनने में अच्छा लगे और जिससे कानों को सुकून मिले वो गीत अच्छा है, और मैं हमेशा से ये कोशिश करता था, और मैं कुछ कुछ पुराने गीत भी पापा से सीखता था, तो एक कॉम्बिनेशन हो जाता है ओल्ड एंड न्यू का, तो बन जाता है सर ये, इसमें मेरे को तो कोई दिक्कत नहीं होता है सर। अमृतेश, अभी एक दौर ये भी चल रहा है रिमिक्स गानों का, जी तो रिमिक्स गाने जो आ रहे हैं, आपको नहीं लगता कि जो पुराने गीत हैं या जो आज के दौर के संगीत के भी गाने हैं, अगर उसको रिमिक्स किया जाए तो उसकी आत्मा कहीं मर नहीं जाती है, ऐसा आप महसूस करते हैं क्या? सर, इस पे तो मैं पूर्णतः सहमति रखूंगा आपके साथ, क्योंकि जो एक आवाज़ है और जो उसका एक सुकून है जो पुराने गीतों में है, उसमें रिमिक्स के साथ जब हम म्यूज़िक ऐड करते हैं और हो हल्ला उसमें ऐड होता है, तो कहीं ना कहीं उसकी मधुरता पे तो असर पड़ता है। तो मैं ये सभी से गुजारिश करूंगा कि गाने जैसे हैं कृपया उसे वैसे ही गाएं। ये अनप्लग्ड वर्जन भी एक आया है जिसमें रफ़ी साहब, मुकेश साहब, किशोर साहब, ये काफ़ी बड़े बड़े और लेजेंडरी सिंगर्स हैं, तो इनके गाने हम अगर थोड़ा भी कॉपी या फिर उनके जैसा 1% भी गा सकें तो ये हमारे लिए बड़ी बात है। तो रिमिक्स कृपया ना किया जाए और जैसा गीत है उसे वैसा ही गाया जाए। अमृतेश, इस समय म्यूजिक टैलेंट हंट शो चल रहे हैं, जिसमें युवा युवा और बच्चे भी इसमें आ रहे हैं, तो उनकी गायकी में आप कितना परिमार्जन देखते हैं? सर, ऐसा है पिछले कुछ 10 से 15 सालों में जितने भी टैलेंट हंट शोज हुए हैं उसके जितने भी विनर्स हैं और को विनर्स हैं उनको अच्छा एक प्लेटफॉर्म मिलता है, और संगीत के साथ साथ एक मीडिया का प्लेटफॉर्म जो सबसे बड़ा होता है जिनमें आप लोगों का भारी योगदान होता है, तो मैं ये कहूँगा कि काफ़ी अच्छा चीज़ है यदि कोई भी नया टैलेंट बिलासपुर जैसे छोटे शहर से, कोरबा जैसे छोटे शहर से जाता है, तो इनके लिए भी और शहर के लिए भी और उनके खुद के ग्रोथ के लिए काफ़ी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अमृतेश, जिस तरह की सर राष्ट्रीय चैनल बच्चों को प्रमोट कर रहे हैं, युवाओं को प्रमोट कर रहे हैं, तो आपको ये कमी नहीं खलती कि जो छत्तीसगढ़ अंचल और बिलासपुर शहर के जो लोकल चैनल है वो ऐसे शो कराएं ताकि उन बच्चों को एक नया उज्जवल भविष्य मिले? बहुत सही बात है सर, कोई भी चीज़ यदि स्टार्ट होता है तो वो लोकल स्तर पे ही स्टार्ट होता है, तो यहाँ के जितने भी न्यूज़ चैनल हैं, और सबसे हमारा ये निवेदन रहेगा कि साल में एटलीस्ट 2 से 3 ऐसे शोज कराए जाएं जिसमें नए से नया टैलेंट बाहर आए और वो अपने टैलेंट को लोगों के सामने देखे, ताकि उसको नेशनल और इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म में जाने पर ईजी हो। बहुत बहुत धन्यवाद अमृतेश जी का, आपने एएमपीएम टाइम्स को समय दिया, इसके लिए हम आपके आभारी हैं। थैंक यू।